अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू डिस्ट्रॉय योर एनिमी विदाउट एनी फाइट, कि बिना किसी भी लड़ाई किए हुए आप अपने दुश्मन पर कैसे काबू पा सकते हैं और आप अपने दुश्मन पर कैसे हावी हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर वन, स्टे काम, पर सुकून रहें। आप अपने दुश्मन को कभी ये मौका ना दें कि वो ये महसूस करे कि आप परेशान हैं, क्योंकि आपका दुश्मन हमेशा ये चाहता है कि उसके किसी भी एक्शन पर आप रिएक्शन करें, क्योंकि वो आपसे रिएक्शन की तवक्का करता है। लेकिन आपने अपने आप को पर सुकून रखना है। दुश्मन को आपने ये रियलाइज़ करवाना है कि इसका आप पर कोई इख्तियार नहीं है, आप खुद मुख्तियार हैं। इसके बाद नंबर टू, मेक आई कॉन्टैक्ट, आँखों में आँखें डालकर देखना। अपने दुश्मन की आँखों में आँखें डालकर देखें। ऐसा करने से आपका खुद पर एतमाद मज़ीद बढ़ेगा, आप अपने आप को मज़ीद ताकतवर महसूस करेंगे और आपका ये पुरएतमाद नज़र आना आपके दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है और आपका दुश्मन मजबूर हो जाएगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले वह ज़रूर सोचे। आप आई कॉन्टैक्ट के साथ साथ डिफरेंट एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, जैसा कि हल्की मुस्कराहट। हल्की मुस्कराहट ख़ास तौर पर इफ़ेक्टिव हो सकती है, क्योंकि आपका दुश्मन ये महसूस करेगा कि आप पुरएतमाद हैं और वो आपके इस रद्देअमल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपको परेशान देखना चाहता है। नंबर थ्री, टीम अप। आप अपने काबिले एतमाद पार्टनर्स के साथ अपना एक ग्रुप बनाएं। अकेले दुश्मन से निमटना वाकई मुश्किल हो सकता है। जैसा कि आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर आपकी तादाद ज़्यादा है तो आप अपने हरीफ पर बआसानी काबू पा सकते हैं और उसे शिकस्त दे सकते हैं। आप अपने भरोसामंद लोगों के साथ एक टीम बनाएं और इस टीम में आपके ख़ानदान के लोगों के साथ साथ आपके बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं। और जब आपका दुश्मन देखता है कि आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके साथ साथ उसको इन लोगों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो फिर इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि आपका दुश्मन पीछे हट जाए और वो आपको तंग करना और आपका पीछा छोड़ देगा। नंबर फोर, बिल्ड अप योर सेल्फ। अपने दुश्मन के मुकाबले में आप खुद को डेवलप करें। अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाकर आप अपने दुश्मन को मायूस कर सकते हैं। आपका दुश्मन वैसे भी यही चाहता है कि आप रिएक्ट करें। अगर आप वाकई में रिएक्ट करते हैं तो दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो जाता है और वो अपना मकसद हासिल कर लेता है। इसके बरक्स, अगर आप एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपका दुश्मन ये देख कर जल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना उन्हें शिकस्त देने का बेहतरीन तरीका है। आप ख़ुद को एक बेहतर इंसान बनाएं। आप ऐसे काम करें जो आपको सुकून, लुत्फ और आराम पहुंचाएं। आप अपने सर्कल में ऐसे दोस्तों और ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको नीचा लाने के बजाय आपका लेवल ऊपर करें, आपकी मुश्किल में काम आएँ और आपको एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाने में आपकी हर तरह से मदद करें। आप अपने आप को बाख्तियार बनाएं, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।